बड़ी खबर इस वक्त की गोंडा से आ रही है। अवध केसरी सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमर सिंह उर्फ नील ठाकुर को मारी गई गोली, लखनऊ रेफर। अवध केसरी सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमर सिंह उर्फ नील ठाकुर को मारी गई गोली, लखनऊ रेफर। अवध केसरी सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमर सिंह उर्फ नील ठाकुर को मारी गई गोली, लखनऊ रेफर। अमर सिंह उर्फ नील ठाकुर अपनी गाड़ी XUV 500 UP 43W 4511 से बीती रात्रि गोंडा से सालपुर अपने गांव जा रहे थे। रात्रि करीब 10:30 बजे तभी सोनी गुमटी रेलवे क्रॉसिंग के पास विपक्षी गढ़ों ने गाड़ी को ओवरटेक करके आगे से रोक लिया और लाठी डंडों धारदार हथियारों से जान से मारने की नियत से हमला कर दिया और 3 राउंड असलाह से गोली भी चलाई। विपक्षीगढ़ के मारने पीटने से नील ठाकुर के सिर व शरीर में काफी चोटें आईं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल गोंडा ले जाया गया, जहां से लखनऊ चंदन हॉस्पिटल में बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। 5 लोगों के खिलाफ नामजद व 4 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया गया। विपक्षी गढ़ों द्वारा नील ठाकुर पर गोली से किया गया जानलेवा हमला, जिसमें गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई, 3 राउंड गोली चलाई गई थी, जो वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। गोली लगने से नील ठाकुर घायल हो गए। रात्रि 11 बजे पुलिस को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से उन्हें जिला अस्पताल गोंडा ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया। लखनऊ चंदन हॉस्पिटल के बाहर अवध केसरी सेना अध्यक्ष ठाकुर नीरज सिंह अपने संगठन के सभी कार्यकर्ता के साथ एकत्रित है। न्यूज लिखे जाने तक पीड़ित नील ठाकुर को होश नहीं आया था। रंजीत सिंह राणा की रिपोर्ट। कल दिनांक 21/12/2023 को रात्रि करीब 11 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि सोनी गुमटी क्रॉसिंग के पास एक व्यक्ति अपनी गाड़ी के बगल में घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। घायल व्यक्ति को उपचार हेतु जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया। घायल व्यक्ति ने बताया कि उसका नाम अमरपाल सिंह उर्फ नील ठाकुर है। उसने बताया कि पुरानी रंजिश की वजह से कुछ लोगों द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है और उसे गोली मार दी गई है। उसका एक्सरे कराया गया, एक्सरे में अभी बुलेट की पुष्टि नहीं हो पाई है। CT स्कैन कराने और बेहतर उपचार के लिए उसे लखनऊ चंदन हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है। अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त होते ही आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।